देखा भोले बाबा, पूछने लगे क्या बात है पार्वती, बात तो बता। पार्वती बोली भोले बाबा बहुत बड़े कपटी हो तुम। भोले बाबा बोले मतलब, अरे कपटी वो होता है जो किसी बात को छिपाता है, हमने तो तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। पार्वती बोली अच्छा ज्यादा भोले वाले नवन, बात नहीं छिपाई तुम। सुनो भोले बाबा जो तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला पड़ी, इसमें मुंडे 108 किसके हैं कभी बताया? भोले बाबा बोले सती तुमने कभी पूछा? अगर आज पूछ रही हो तो हम तुम्हें बता देंगे। वो पार्वती बोली जल्दी से बताओ। कहने लगे सुनो पार्वती, ये जो 108 मुंडे हैं ना किसी घर के नहीं, तुम्हारे हैं। इतनी बार तुम मर चुकी हो और इतनी बार इस धरती पर जन्म ले चुकी हो। पार्वती बोली भोले बाबा हम 108 बार मर चुके तो तुम कितनी बार मर चुके हो? भोले बाबा बोले हम तो अजर अमर है, मरते नहीं। पार्वती बोली सो तुमने कौन सी बूटी खाई है जो तुम अमर हो? जैसे ही कहा तो आज भोले बाबा बोले बूटी नहीं खाई है, अमर होने की हमने अमर नाम की अमर कथा सुनी है तभी हम अमर है। पार्वती बोली भोले बाबा फिर तो तुम डबल कपटी भाई, क्यों? क्योंकि वो कथा तुमने अकेले अकेले सुनी, मुझे नहीं सुनाई इसी। भोले बाबा बोले सुनना चाहोगे? बोले हाँ बिल्कुल सुना। तो आज भोले बाबा कहने लगे ठीक है हम तुम्हें कथा सुना देंगे, लेकिन सुनो पार्वती जब हम तुम्हें कथा सुनाएं तो तुम्हारा मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। दूसरी बात हम तुम्हें कथा सुनाएंगे तो तुम्हें बीच बीच में हुंकारा देना पड़ेगा तब कथा सुनाएंगे। बोले बिल्कुल कर लेंगे हम। भोले बाबा ने एक जंगल को खाली कराया, क्यों? अगर उस कथा को कोई सुन लेता वो अमर हो जाता, इसे पशु पक्षी तक नहीं रहे। एक वृक्ष के नीचे आसन लगा करके भोले बाबा बैठ गए, तो उसी वृक्ष की खोमे को तोते का अंडा रखा हुआ था। भगवान की ऐसी कृपा हुई, भोले बाबा ने कथा सुनाना शुरू किया तो वो अंडा फूट करके उसमें से बच्चा निकल आया। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और सती बीच बीच में हुंकारा दे रही है। भोले बाबा किसी अमर नाम की अमर कथा, और जब कही सुनी शिव पार्वती, और उमा संग में लगाया शंका बैठ गए कैलाश पति। सुनाने लगे, पार्वती बीच बीच में हुंकारा देने लगे। थोड़ा समय बीतने के बाद में पार्वती सो गई, और जब पार्वती सो गई वही तोते का बच्चा मन में विचार करने लगा कि आधी कथा हमने सुन ली है, और अगर हुंकारा ना दिया भोले बाबा को तो भोले बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो वही तोते का बच्चा बीच बीच में हुंकारा देने लगा, पार्वती सो रही है भोले बाबा कथा सुना रहे। उमा संग में भोले बाबा और बैठे आसन मारे, उमा संग में भोले बाबा और बैठे आसन मारे, और अमर कथा जब लगे सुनाने कोरा के भरता रे, उमा के पड़ गए सोता और हो बैठिया शनमा।
पार्वती सो गई, भोले बाबा कथा सुना। तोते का बच्चा बीच बीच में हुकारा देने लगा, पूरी कथा जब सुनाई जयकारा लगाया। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की, और जैसे ही जयकारा लगाया पार्वती बड़बड़ा करके उठी।